हेलो भाई, नमस्ते। मेरा नाम है पारस और स्वागत है आपकी वीडियो ब्लॉग के एक और ब्लॉग में। तो भाई, एक गुड न्यूज़ दूँ, आज हम लोग लेने जा रहे हैं अपना न्यू पपी। तो मेरे एक भैया हैं, तुषार भैया, तो उनके यहाँ पर पप सोए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई कोई होगा तो बताना लेने वाले के लिए, और काफ़ी सारे हो रखे हैं तो वो परेशान भी कर रहे हैं उनको। तो 35 डेज़ की तो लगभग हो ही गए हैं, तो वो भी कह रहे थे कि कोई होगा लेने के लिए तो बताना। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मैं ही ले लूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपना न्यू पप लेने, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में। अब हम पहुंच गए हैं तुषार भैया के घर पे। अब चलते हैं घर में अंदर और दिखा दें आपको सिनेमैटिक्स। तो चलिए, ठीक है, सिनेमैटिक्स देखिए, एंजॉय कीजिए। हाँ तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि सारे डॉग्स कितने अच्छे हैं, बट मेरे को ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो गई है और खूब खेल रही है मेरे साथ। कुछ कुछ ही नाम इसको, कुछ 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 काट रही। तो हम इसको लेके जाने वाले हैं अपने घर, तो चलते हैं। और नाम सजेस्ट करो चाचा। शी इज़ अ फीमेल। ये फीमेल है, मेरे को कुछ कुछ पसंद आई। ये फीमेल है, फीमेल वो बारी बची। हमारे तुषार भैया इस ब्लॉग में नहीं आए हैं क्योंकि वो अभी अपने घर के कपड़ों में है, कंफर्ट जोन में है। तो वो कह रहे हैं कि तेरे ब्लॉग में भी नहीं आऊँगा मैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। कोई बात नहीं, बट आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वो इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स डालते हैं, सिनेमेटिक वीडियोस डालते हैं, और वो अच्छे राइडर भी हैं, बहुत सारी जगह गए हैं। तो बहुत सारे सिनेमेटिक्स वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। तो आप उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक उनकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको पप्स चाहिए तो आप उनको वहाँ पर DM कर सकते हो, वो आपको बता देंगे किस किस आना है, किस किस चाहिए। तो चलिए चलते हैं फटाफट घर, और अभी इसके लिए मुझे अभी फूड वगैरह भी लेना है। लॉकडाउन लगने वाला है, फटाफट भागते हैं। चलिए चलते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हैं घर और मैं डॉगी के लिए लाया हूँ ड्रोल्स का बूस्टर, जो है सेरेलैक, और ये कुछ चलेगा 1.5 महीना। और कैसे सर्विंग करनी है इसमें साइड में लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर्व करने में। और कुछ कूपन्स मिले हैं इसके साथ, और मैं साथ ही रहा हूँ रॉयल किलन, जो मैंने पीस केस में रख लिया है। पैकेट दिखाना मेरा याद नहीं था, बट मैंने पीस केस में रख लिया है। और पीस लिए इसलिए रखा है क्योंकि इसको खाने में आसानी रहेगी, क्योंकि रॉयल किलन बहुत ज़्यादा सॉलिड रहता है, तो उसको खाने में और डाइजेस्ट करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने पीस के कुछ इस तरीके से कर लिया है। अभी इसे डायरेक्ट सर्व करो, गर्म पानी मिलाओ और डायरेक्ट उसको खिला सकते हैं। अब आपको मिलाते हैं अपने पपी से। हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे को हमारी फीमेल डॉग के लिए एक नाम से ज़रूर करें। तो मैं भी देख रहा हूँ कोई नाम, और आप भी सोच ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। और तुषार भाई के लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, तो उनको जाके फॉलो करो और मेरे को भी फॉलो करो यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।